गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिविजनिंग का सेशन लेकर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले ही हमारे एक स्टूडेंट से हमें एक ब्लड रिलेशन पज़ल मिली, जो आज सुबह वाली जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें पूछी गई थी। पज़ल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, ब्लड रिलेशन की जो शॉर्ट पज़ल पूछी गई है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, गलत है, सॉल्व नहीं हो पा रही। तो जब तक मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, पर कुछ ना कुछ तो इश्यू ज़रूर है, वरना इतने सारे स्टूडेंट्स गलत नहीं बोलते। अब जो हमें जो ब्लड रिलेशन की पज़ल मिली है, जो हमें स्टूडेंट ने जो प्रोवाइड की है, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन याद थी, वो इस प्रकार है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, पर फिर भी सही है या गलत है पूरी तरह, क्योंकि काफ़ी पोर्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगर एक आध इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या एक आध इन्फॉर्मेशन गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पर फिर भी ये ब्लड रिलेशन का जो शॉर्ट पजल है आने वाले शिफ्ट्स में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, तो सॉल्व ज़रूर करके देखिएगा इसको। देखिए क्या दिया हुआ है। ए इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ डी। ए क्या है? एकमात्र संतान है किसका? डी का। बहुत ही बढ़िया। डी इज मैरिड टू एफ। डी की शादी किससे हुई है? डी की शादी हुई है एफ से। ये हुई ना बात। जे इज दी फादर ऑफ एफ। जे क्या है? पिता है किसका? एफ का। एंड जी इज दी ओनली डॉटर ऑफ जे। जी क्या है? जे की एकमात्र बेटी है। अब ये एकमात्र बेटी है तो एफ क्या हो जाएगा? बेटा। एफ बेटा हो गया तो डी हो जाएगी पत्नी। ठीक है बस। वाई इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ जे। वाई क्या है? बहू है जे की। वाई क्या है? बहू है जे की। वाई बहू है जे की। वाई बहू कैसे बनेगी जे की? ये तो काफी इंटरेस्टिंग कर दिया सवाल। वाई इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ जे। हाँ, वैसे क्या किया जा सकता है? कुछ ना कुछ यहाँ पर या तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका मतलब मिसिंग है। एक बार फिर से देखते हैं। ए इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ डी। एकमात्र बेटा है हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है। जे इज दी फादर ऑफ एफ। जे क्या है? पिता है एफ के। जे क्या है? पिता है किसके? एफ के। जे क्या है? पिता है किसके? एफ के। एंड जी इज दी ओनली डॉटर ऑफ जे। जी एकमात्र बेटी है जी की। ठीक है। वाई इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ जे। तो जरूर अगर वाई, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि वाई इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ जे, तो जरूर एक ना एक, या तो अगर इतना ही सवाल था तो ये क्वेश्चन गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि वाई जे की बहू, वाई कहाँ से जे की बहू बनेगी जब डी है जे की बहू। अब अगर वाई को जे की बहू बनना है तो या तो ये हो कि जी डॉटर ना हो, जे जी क्या हो? सन हो, जो मुझे नहीं लगता जी सन होने वाला है। इसके बजाय मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर और दे रखी थी। तो कुछ बच्चों का आ भी रखा था कि सर बी करके भी कोई वेरिएबल आ रहा था, बी नाम से भी कोई पर्सन आ रहा था, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? बेटा। बी इसका बेटा हो जाएगा तो उसकी पत्नी फिर बन जाएगी वाई, और इस तरह से वाई जे की क्या बन जाएगी? बहू। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए, या तो ये कि बी इज दी ब्रदर ऑफ जी, बी इज दी ब्रदर ऑफ जी, या बी इज दी सन ऑफ जी, या बी इज दी सिबलिंग ऑफ एफ या जी, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। या फिर ये दिया हुआ हो कि बी के बारे में भी कुछ बता रखा हो और ये बता रखा हो कि जे हैज़ टू सन्स एंड वन चाइल्ड। इस तरह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया होगा बी के बारे में भी, और वो बी क्या आएगा? जे का बेटा आएगा, और उसकी पत्नी फिर कौन बन जाएगी? उसकी पत्नी बन जाएगी वाई। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा फैमिली ट्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपसे तीन सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए गए होंगे। अब आई होप यही हो।
आई होप यही हो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बदल दी, उसमें भी एक करेक्शन था, एक लाइन और ऐड करनी थी, वो भी बी के रिगार्डिंग, बी करके कोई और एक और पर्सन आएगा और उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लाइन रहेगी और आपका पूरा अरेंजमेंट इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में कुछ भी करेक्शन होना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा ज़रूर। फालतू में नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, करेक्शन करके बता दीजिएगा, मैं इम्प्रूव्ड वर्जन इसका ले आऊँगा फिर से। ठीक है, करेक्शन करके बता दीजिएगा कि असली में सवाल क्या था, कहाँ कहाँ करेक्शन मुझे करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा था, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ब्लड रिलेशन की जो शॉर्ट पजल है उसमें कुछ गड़बड़ी थी। तो जहाँ तक जो भी जैसे ही मेरे को स्टूडेंट ने बताई ये बात और इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसी के साथ मैंने वीडियो लिया। अब वीडियो लाने का पर्पस क्या था, एक तो ब्लड रिलेशन की शॉर्ट पजल की आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस ये जो इशू है ये भी आप सभी से मैं शेयर कर पाया। तो अब इसका एग्जैक्ट करेक्शन क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये एग्जैक्टली ये सवाल नहीं था, इसमें ये करेक्शन, ये चीज़ें और थी या ये चीज़ें नहीं थी, जो भी बात हो कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।